नमस्कार दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, योगी जी शिक्षा आयोग का गठन करो, ये लगातार जो है ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, लेकिन शिक्षा आयोग का गठन अभी भी नहीं हो पाया है। इसके अलावा एक ट्वीट आया है, उसमें जानकारी दी गई है सीएम ऑफिस की तरफ से। योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा की तथा भावी कार्ययोजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश किए। तो दोस्तों, बैठकें तो लगातार हो रही हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो पाया है। इसको लेकर अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो नई शिक्षा आयोग के लिए कई दिग्गज कतार में हैं। आयोग के गठन से संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में संभव है और कई रिटायर्ड IAS और पूर्व कुलपति अध्यक्ष पद की दौड़ में है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश की शिक्षा चयन आयोग को गठित करने की कवायद तेज हो गई। इसके गठन के संबंध में संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किए जाने की संभावना है। इस बीच अध्यक्ष पद के लिए कई दिग्गजों के बीच जोर आजमाइश हो रही है। कुछ दिनों पहले अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त IAS अफसर का नाम ज़्यादा चर्चा में आया था। नए आयोग में अध्यक्ष के एक पद के साथ 11 सदस्य सृजित किए जाने का प्रस्ताव है। दोस्तों, मे भी हो सकता है कि जल्दी इसका गठन हो जाए, चूँकि अभ्यर्थी लगातार जो है प्रोटेस्ट अपना जता रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। अगली बात करेंगे दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है दाखिले के लिए इस बार डिजी लॉकर जो है अनिवार्य कर दिया गया है और ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जो है इलाहाबाद में लागू की गई है। 26 जुलाई को प्रकोष्ठ की बैठक के बाद प्रवेश शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सहूलियत होगी, भविष्य में एक क्लिक पर जो है अभिलेख मिल जाएंगे। इसके अलावा भारतीय छात्रों को लुभाने में जुटे दुनिया के कई देश। बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षा के लिए भारतीय विदेश छात्र विदेशों का रुख करते हैं, जिसके चलते कई देशों में उनके आकर्षित करने की होड़ लगी रहती है। इसी कड़ी में फ्रांस की तरफ से भारतीय छात्रों को डिग्री पूरी करने के बाद 5 साल का वीज़ा देने का प्रस्ताव किया गया है। जबकि आमतौर पर पढ़ाई पूरा करने के बाद नौकरी या रोजगार से शुरू करने के लिए सरकारें 1 साल का वीज़ा देती हैं। इसके अलावा 6 महीने से प्रमोशन का शोर कब होगा पता नहीं। तो दोस्तों, प्रदेश के लगभग 1,14,000 से ज़्यादा अधिक प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के प्रमोशन को लेकर पिछले 6 महीने से माथापच्ची चल रही है। 1,500 स्कूलों में चपरासी और सफाईकर्मी नहीं है, और ये न्यूज है प्रयागराज की। प्राथमिकता में शामिल था काम, फिर भी तैनाती नहीं। राजकीय स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर तैनाती का काम माध्यमिक शिक्षा विभाग की 6 महीने की कार्ययोजना में शामिल था, लेकिन आउटसोर्सिंग चयन के लिए पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक सरिता तिवारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, लेकिन तकरीबन साल भर होने के बावजूद भी चयन नहीं हो सका है। प्रयागराज में 82 स्कूलों के शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है और इसमें 5 से कम दाखिले हुए थे, इस वजह से निर्णय लिया गया है। असम में वांचुंगा उत्सव। असम के सिंगलांग कुची गांव में वांचुंगा उत्सव याद रखिएगा के दौरान पारंपरिक पोशाक में अनुष्ठान करते तिवा आदिवासी। इस उत्सव के दौरान तिवा आदिवासी अपनी अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो दोस्तों, ये अभी ट्रेंडिंग में है, इसको याद जरूर रखिएगा, करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण है। अगली अगर बात करें तो दोस्तों, एक युद्धाभ्यास हुआ है, संयुक्त युद्धाभ्यास जापान सागर में चीन द्वारा आयोजित नॉर्थ इंटरेक्शन 2023। नौसैनिक अभ्यास के दौरान रूस और चीन युद्धपोतों ने एक समुद्री लक्ष्य पर निशाना साधने के तोपखाने से गोलाबारी कर संयुक्त युद्धाभ्यास किया। नॉर्थ इंटरेक्शन 2023, इसको याद रखिएगा। डाटा भेजने के बाद फाइल नहीं खुली, भर्ती फंसी। तो दोस्तों, बात हो रही है प्राविधिक सहायक भर्ती की। 2013 में 906 अभ्यर्थियों का डाटा जाना था। 2013 में जो भर्ती हुई थी उसमें 906 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको जो है मौका नहीं मिल पाया था और एज हो गए थे, उसके बाद इनको मौका दिया गया है, लेकिन अभी डाटा नहीं भेजा जा सही तरीके से नहीं भेजा जा सका है। अब संशोधित फॉर्मेट में डाटा भेजने का आश्वासन मिला है, लेकिन डाटा नहीं भेजा गया, इस वजह से भर्ती फंसी हुई है। वहीं अगर बात करें रोजगार समाचार की तो दोस्तों, UPSC के जरिए 56 पद भरे जाएंगे। एरोनॉटिकल ऑफिसर साइंटिस्ट बी, इसके लिए 35 से 40 उम्र निर्धारित है पात्रताएं। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BE एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया
आवेदन पत्र में डिजाइन गर्गी के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग, रिक्रूटमेंटेंस और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 100 अंकों का होगा, जिसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग 40, 45 और 50 निर्धारित हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। www.upsc.gov.in पर जा सकते हैं। ₹25 शुल्क है। CSIR CERI में रोजगार के अवसर हैं। अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 39 पद हैं। न्यूनतम आयु सीमा 14, 18, 21 तथा अधिकतम 24-26 वर्ष। पात्रताएं ITI होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है और चयनित अभ्यर्थियों को 7700, 8000, 9000 प्रतिमा दिया जाएगा। 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना है और उसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं CECRI.RES.IN। प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष है। SSC ने 1876 पदों के लिए आवेदन जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों के लिए सब इंस्पेक्टर पद खाली हैं, सब इंस्पेक्टर के पद खाली हैं। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री, अधिकतम आयु की बात करें तो 20 से 25 वर्ष। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एंड्यूरेंस टेस्ट, PET आदि का आयोजन किया जाएगा। वेतनमान की बात करें 35,400 से 1,12,000 तक। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2023 है। ₹100 का आवेदन है। SSC.NIC.IN पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान में कुछ पद निकले हैं। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है, जाकर के आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।